नमस्कार अर्गस न्यूज रूम लाइव सहित म पूर्व एसएफ सौम्यरंजन मृत्यु मामलें एपर्यंत सस्पेन्स हो रही एपर्यंत कौन रहस्य सामना को आसी ना रहस्य घर रही है मृत्यु मामला गोटे बड़े पुलिस पूर्व डीएफओ को क्लीन चिट दे सारी यहाँ एक पारिवारिक कलह बोली बेले किंतु स्पष्ट भाव प्रमाणित होती केउठना केउठी संदेह रही सस्पेन्स रही जहाँकि एपर्यंत सामना को आसी पारि ना ये स्थित में क्राइमब्रांच यही तदंत भार निज हाथ को नहीं जेरा हे पत्नी विद्याभारतीय डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा सौम्य सरकारी बासभवन में गत काली क्राइमब्रांच पहुंची एने छानभिन आरंभ कर प्रतिनिधि जितेन्द्र बारिक और मनोज प्रधान अधिक तथ्य ने जानवा जो प्रकृत में ए केस्र स्टाटस वर्तमान कौन रही दुईज को जेरा करने प्रकृत सत्यता सामना को आसीपारे कि सौम्य पर जो बारंबार अभियोग कर पुलिस एपर्यंत सठिक दिगरे तदंत करना जो माने मुख्य अभियुक्त अच्छा सौम्य पत्नी विद्याभारती और डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा से पाखरे पुलिस एपर्यंत ठीक से पहुंची तदंत कर पारिना ए संपर्कित तथ्य आगू आम रिपोर्टरों ना कि प्रथम आस देखने जो पूरा घटनाक्रम कौन थी और क्राइमब्रांच तदंत हाथ को नापर कौन आशा करसे पर कि सौम्यरंजन मृत्युर प्रमाण क्राइमब्रांच केमिति करिबो पूरा षड्यंत्र खुलासा एसीएफ मृत्यु मामलें क्राइमब्रांच आगे बड़ चैलेंज हॉस्पिटल चक्रांतर हो पर्दाफाश संदेह घर रही गजपति पुलिस तदंत तदंत पाटपणाई प्रमाण नष्ट लगी डीएफओ पकाऊना कि चेप डीएफओ न बदलें किभली हेबो निरपेक्ष तदंत मृत्यु कालीन जमानबंदी मिछ थ्योरी की एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामलें क्राइमब्रांच आरंभ कर तदंत सौम्य सरकारी बासभवन में दुई घंटा छानभिन कर क्राइमब्रांच टीम घटनास्थल विभिन्न जिनसर फिंगरप्रिंट को फोरेन्सिक टीम संग्रह करने घर को सिल कर दीजाई आवश्यक पड़े पत्नी विद्याभारती और डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा जेरा क्राइमब्रांच डीएसपी क्राइमब्रांच टीम जड़े डीएसपी रैंक अधिकारी जड़े आईआईसी और एसआई अच्छा टीम को सहयोग करेंगे छजिया फोरेन्सिक टीम जो फिजिक्स केमिस्ट्री फिंगरप्रिंट सह रही फोटोग्राफी और अग्निशम विभाग एक्सपर्ट आरंभ समस्त दिगक देखि तदंत कर सौम्य बापा और माँ बयान निजी क्राइमब्रांच एडीजी टीम को साय करने आम गोटे छजिया सैंटीफिक टीम नियोजित करेट फोरेन्सिक लैब्र तीन जन एक्सपर्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एवं जो रही फिंगरप्रिंट से एक्सपर्ट रही व्यतीत वीडियो फोटो प्लस आमर जो फायर डिपार्टमेंट जन एक्सपर्ट को सामिल करूँ तेणु घटना सब दिगर से तदंत करेंगे एवं आग को पुणी जहाँ करार अच्छे आम सब ऑल एंगल रु एटा को तदंत कर तेणु आम इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच तरफ स्टार्ट कराई प्रथम स्पॉट विजिट कर और नौ जनिया टीम रे हमरो स्टेट फोरेंसिक साइंस रे एक्सपर्ट मन भी आछन्ते विभिन्न एंगल रो हमें तारो एस्पेक्ट को देखि तदंत आरंभ करछु सौम्यरंजन मृत्यु मामला एबे भी रहस्य घर रे संदेह घर रे पत्नी विद्या भारती डीएफओ संग्राम केसरी बेहरा थाना वाईसी ममता पंडा गजपति एसडीपीओ कर ए ऑडियो सुनंतु एटा त से कहिथला स्टार्ट तमे जो सौम्यरंजन निजे ना हां से निजे कहिथला जो गड पुरणा बही पुडलाडु एक्सीडेंटल लागला बोलि करियो ये पीसफुल कंजुगल लाइफ भी पीसफुल सी जे दुर्घटना सौम्यरंजन मृत्यु कालीन जमानबंदी कहले पारिवारिक संपर्क भल था विद्या भारती चिठी कहूँ सब ठीक ठाक ना अर्थात यह मिछ बोली प्रमाणित हो सारी से भि डीएफओ विद्या भारती सहित संपर्क अभियोग आ लोके डीएफओ न बदलें निरपेक्ष तदंत हो पारना परिवार लोके दर्शाई मासे परे आउ प्रमाण नथिबार भी जथेष आशंका रही पुणी गजपति एसपी किभली क्लीन चिट देते नहीं उठी प्रश्न से भली घर भितर किभली पोड़ी होइगले सौम्य किभली चित्कार कहीं शुणिले विद्याभारती कौन करुथुले हॉस्पिटल रे हाथ में पोड़ा दाग नथिला परे केउठु आसिला किसी उपरिस्थ अधिकारी अच्छा जो मैंने अदृश्य इनवल्वमेंट रही केस रे तो से पुलिस तार प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करूना प्रथम से रूम को सील कला ना प्रथम पु आउ झीर मोबाइल किसी रखिला ना तार प्रथम से डायवर्ट करदे तार जमानबंदी नहींगले
जवानबंदी नेला परे ताको पठाउछन्ति एसीबी मेडिकल कटक को पठाउछन्ति पाखरे माने रखिले राति 9 रु राति 12:30 पर्यंत पालाखेमुंडी मेडिकल रखिले जोंडी किछि फैसिलिटी नै बर्न 95% जणा पुडी जो से कोन डाक्टर सेटी जे ट्रीटमेंट करतला ताको कोन धारणा नै जे आमो हॉस्पिटल ले प्रकार फैसिलिटी नै बोली से काहे कि सेटी 3 घंटा पकेई रखिला मो भाई कि राज्य सरकार जदि वास्तविक चाहू थांती जे ए केस रो प्रकृत दोषी धरा पडु ताहाले राज्य सरकार मध्य डीएफओ को अन्यत्र बदली करिवा दरकार काहे कि ना जो इंडिपेंडेंट विटनेस माने अच्छा जे कि माने देखी डीएफओ को सौम्यरंजन घर को जी आसिया करपस्थित अनुपस्थित एगुड़ा समस्त जिते पर्यटन डीएफओ से ही जगार अच्छा समस्त हूँ सबर्डिनेट स्टाफ आउ जिते स्टाफ रही से सबर्डिनेट स्टाफ को ऑफिसर अगेंस्ट जहाँ भी घटना होती है केवे भी कहे ना एवं क्राइमब्रांच आरंभ कर तदंत तेज निरपेक्ष तदंत हो ना मिलमिशी चापीदे भुवनेश्वरु रोशन रथ गजपति जितेन्द्र बारिक कटकु विश्वजित दास और सिमुलिया मनोज प्रधान का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। तो घटना को मासे पूरीता बेले एपर्यंत लोकों मध्य से गोटे प्रश्न जो प्रकृत में सौम्य मृत्यु केमती होता दुर्घटना प्रसत मृत्यु होना हत्या करदी हत्या करटनार मसे पर पुलिस कौन पर हत्याकारी पाखे पहुंची पारिना क्राइमब्रांच घटनार तदंत भार निज हाथ को नहीं बेले सेपटे क्राइमब्रांच पर न्याय दे पार तो सौम्य भाई बापा माँ मसे तमाम जो गुहारी लगे सरकार के पाखे जे से भाईर मृत्यु केमती होती से नहीं सठिक तदंत कर सठिक बाटे तदंत कले ही भाई को न्याय मिल पार भाई आत्मा को न्याय मिल पार बोली भाई बारंबार कहते एवं सौम्य बापा माँ एने व्यतीव्यस्त होगा सहित तो सरकार उपर धीरे धीरे आस्था हरा बेले क्राइमब्रांच से न्याय दे पार ना दे पार ना तापर बर्तमान सारा ओडावासी नजर जितेन्द्र बारिक आम प्रतिनिधि अच्छा मनोज प्रधान आम प्रतिनिधि अच्छा अधिक सूचना सीधासलख नहीं चलु प्रथम मनोज पाखु जावाक चाहिए मनोज मसे पूरला घटना को कितु एपर्यंत लोकों भितर से प्रश्न एवं भी अच्छी जे प्रकृत में सौम्य महापात्र मृत्यु केमती है क्राइमब्रांच तदंत हाथ को नापर आशा करपे जो पूरा घटनार खुलासा हो एवं जहाँ सत हो सामना को आसब देखो पूर्व आप जो कथा कहते आज पारालाखेमुंडी एसीएफ सौम्यरंजन मृत्यु रहस्यजनक मृत्यु को 34 दिन बीतीगला कि एपर्यंत पुलिस की तदंतकारी टीम रहस्य उन्मोचन करनी कि पर लोक न्याय दे पारे सौम्यरंजन मृत्यु पर लोक अभियोग आनी पुओ को बहु विद्याभारती पारालाखेमुंडी डीएफओ पुओं को हत्या कर पारालाखेमुंडी पुलिस एने प्रथम मामला रुजू कर पचराउचरा कर एपर्यंत मासे बीतीगला कौन निया दे पारे फल पर लोके अभियोग करते आम क्राइमब्रांच तदंत हो सीबीआई को तदंत निर्देश दि जाऊ जहाँ सूचना रही क्राइमब्रांच मासे पर क्राइमब्रांच तदंत भार नहीं आज तदंत प्रक्रिया आरंभ करम सहित अच्छा सौम्यरंजन बापा अच्छा अभिराम बाबू अच्छा पचारि बुझा कौन तक रही तदंतकारी टीम पर कैसे भरोसा रही निपर ना क्राइमब्रांच से पचारि बुझा आज्ञा सौम्यरंजन मृत्यु को मसे 34 दिन बीतीगला कि न्याय पाइपारे कि जहाँ अभियोग करते हूँ आमको पुलिस तदंत न्याय दे पारे आमको क्राइमब्रांच तदंत आवश्यक अच्छे सीबीआई तदंत आवश्यक मसे पर क्राइमब्रांच तदंत भार नहीं आज प्रथम कर तार तदंत आरंभ कर कौन कह बत्तीस दिन गला पुलिस वाला किसी कले प्रमाण सब नष्ट करदे बर्तमान जो सीबीआई क्राइमब्रांच नहीं कौन तदंत कर देखा हमारे दाबी हूँ जे से विद्याभारती आसया डीएफ एम को सीबीआई जो क्राइमब्रांच अधीन को मजिस्ट्रेट पाखर उपस्थित करेल आारा कले सत्यासत्य बाहर तेणु ता नक अंधार बाड़ी बुलाऊँ तेणु आम विश्वास कथा अच्छी क्राइमब्रांच उपर तेणु देखा कौन हो ना आम तो सीबीआई समस्त देचु आम हाईकोर्ट रही सीबीआई अप्लाई करूँ डीजी भी देखा करूँ देखिया कौन हो देखो आप पूर्व अभियोग करते मसे बीतीगला पुलिस तार तथ्य जहाँ आपते लिभवाक बस आउ तथ्य किसी मिलवनी तदन प्रक्रिय कौन कह हाँ तथ्य तो से पुलिस प्रथम रहा जो घर घटना घटला 12 तारीख रु 16 तारीख डीएफओ पाखर चबिकाठी रहा तेणु प्रमाण पुलिस नष्ट कर दे जाशु कि पुलिस ये अवहेला कर सेदिन जो 12 तारीख दिन जो फिस्ट होता सेठी डीएफओ पार्टी करते सेठी समस्ते आसते मो पुओ थी सेठी तेणु कलेक्टर ये उपस्थित थे जिलापाल एसपी थिला
ଆଇଆଇସି ଥିଲା, ଡିଏଫଓ ଥିଲା, ସେ ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ 12 ତାରିଖ ଦିନ 9ଟାରୁ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମେଡିକାଲରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ମୋ ପୁଅକୁ ସେଠି ରଖିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମେଡିକାଲରେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ତାକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରାହେଇନି କି କିଛି କରାହେଇନି। ଉଲ୍ଟି ସେମାନେ ସେଇ ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, ଡିଏଫଓ ଏମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ମୋ ପୁଅର ଜୀବ କାଟିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ସୁପାରୀ କଟା ହେଇଛି ସେଇଠି, ସେଇ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ କଟା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର କାଟିଛି ତାକୁ ବି ତଦନ୍ତ ଭିତରକୁ ନିଆଯାଉ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଶା, ଏଇସବୁ ଯଦି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିଥିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଇ ପାରେ, ଯେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଡିଏଫଓ ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର କ'ଣ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଡିଏଫଓ ଆଉ ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ମାରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆଗରୁ ପୋଲିସ କହିଲା ଏଟା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନୁହେଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାଇଥିଲେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଘଟଣାସ୍ଥଳ, ଯଦି ସେଇଟା ଘଟଣାସ୍ଥଳ, ସେଠି ପୁଅ ଥିଲା, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଥିଲା, ରୁଷିଆ ଥିଲା, ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ସେଠି, ତାଙ୍କର ତ ଗ୍ୟାସରୁ ରୋଷେଇ ସେଠି କିରାସିନ ବୋତଲ ଆସିଲା, କା କିଏ ଆଣିଲା, କେମିତି ପୋଡ଼ି ହେଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କି ତଦନ୍ତ କରାହେଇନି। ତେଣୁ ଜଣେ 95% ପୋଡ଼ିଗଲା, ରୋଷେଇ ଆଉ ଇଏ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏଇଠି ତ ମୂଳ ସାକ୍ଷୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଅରେଷ୍ଟ କରିକି ପଚାରିବା କଥା, ଏଠି କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେ ପୋଲିସ ବାଲା, ଇଏ ବି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ନହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ, ଭରସା ତ ଅଛି 50%। ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି, ଛଅ ମାସ 32 ଦିନ ନେଲେ, ଇଏ କେତେ ଦିନ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ବୋଲି ତତ୍ପର ଦେଖେଇଛି ନା ଆପଣ ଯୋଉ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ବୋଲି ନବୀନ ନିବାସ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରଶାସନ କିଛି କରିନାହିଁ, ନବୀନ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇନି, ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୋପ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଡିଏଫଓକୁ ସମ୍ପର୍କ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ, ପଇସା ପତ୍ର ତାଙ୍କର କାରବାର, ସେଇମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ମୋ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସେଠି କେବେ ମୋ ପୁଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କି ସୁଇସାଇଡ଼ କରିନାହିଁ, ଇଏ ଡିଏଫଓ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଅଛି, ରାତ୍ରି କାହିଁକି ରାତି ଅଧରେ ତାଙ୍କ ପିଓକୁ ଏଠି ବଦଳି କରିଦେଲେ, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ସେ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ ଡିଏଫଓକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଟା ବୁଝୁନି କ'ଣ ପାଇଁ, ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଆତ୍ମହତ୍ୟ ଦେବୁ, କେଉଁଦିନ ଦେବୁ, ପୋଲିସ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେଉଁଦିନ ଦେବ, କେତେ ଜଣ ଦେବ, କି ଆମେ ତୁମକୁ ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇକି କରିବୁ ନା, ଆମେ କେତେ ଜଣ ଦେବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, କେଉଁଦିନ ଦେବୁ, ତୁମକୁ ଆଜି 32-34 ଦିନ ହେଲା, ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଠାରେ ଅଛି, ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଅଛି, ତା ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ ଆମେ ଦେଲୁ, ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁନି, ଡିଏଫଓ କ'ଣ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁନି, ପିସିସିକି ଦିଆହେଲା, ଡିସିକି ଦିଆହେଲା, ସମିତିକୁ ଆମେ ଦାବି ଦେଇଛୁ, 34 ଦିନ ହେଲା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆପଣ ଭରସା ଅଛି, ସେ ଭରସା ରଖିକି ମାସେ ବିତିଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଭରସା ତଟେଇ ଦେଲା ପୋଲିସ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆପଣ ଭରସା ରଖିବ ଆପଣଙ୍କୁ? ପୋଲିସ ତ ସେଠୁ 32 ଦିନ କାଳ ତଦନ୍ତ କଲା, ଯାହାଫଳରେ ଚାବିକାଠି ଡିଏଫଓ ପାଖରେ ରହିଲା, ସେ ଘରର ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଡିଏଫଓ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ପୋଲିସ ବି ତା ଦେହର ପଇସା ଖାଇକି ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ସେ ଯୋଉ 15 ଦିନ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ଡିଏଫଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ 15 ଦିନ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ଛୁଟିର କାହିଁକି ରହିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ପୋଲିସ ଆଣି ଦାରା କରିକି ରାତିର ଏସ୍ପି ତପନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏସ୍ପି କହିଦେଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଲା, ଫେର ତାପର ଦିନକୁ କହୁଛି ନା ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କଣାଯିବ, ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫାର୍ସ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ, ସେଠି କଲେକ୍ଟର ବି ଯାଇ, ସେ କଲେକ୍ଟର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସେମାନେ କାହିଁକି କଲେକ୍ଟର କ'ଣ କ୍ଷମତା ନଥିଲା କି, ସେ ପାଖରେ ଏଠି ବିଶାଖପାଟନା ଭାଇଯାକ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲେନି, କଟକକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲେ, ଏଇସବୁ ଘଟଣା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଆଣିବ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନ ଆଣିଲେ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ, ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ପାଇଁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ନହେଲେ ଆମେ ସିବିଆଇକୁ ଲଗାଯିବ, ସରକାର କେବେ ଲୁଚି ରହିବନି, ସେ ଯେତେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଧରା ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଏବଂ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଆଶା ରହିଛି ଯେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଦିନ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ କେବେ ଜେରା କରାଯିବ, ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ଯିଏକି ଡିଏଫଓ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ଜେରା କରାଯିବ, ଏନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ କିଛି ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଗଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ନୂତନ ଭାବରେ ଏସ୍ପି ଗଜପତି ଏସ୍ପି ଭାବେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଜୟରାମ ଶତପଥୀ, ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଜୟପୁରର ଏଡିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ନୂତନ ଭାବରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ
जो कटोरी थाना आज थाना अधिकारी माने मध्य आसी देखा करते उपस्थित थिबा क्राइम ब्रांच रो अधिकारी माने मध्य जाई एसपी को सह आलोचना करिसंती ता परवर्ती समय रे से माने जेरा जहा करबे किंतु गतकाली 12टा अध्ये परे क्राइम ब्रांच रो 6 जडिया टीम एवं फोरेंसिक टीम 3 जणिया आसी पारेखमडे पहुचितले तापर सौम्य रंजन महापात्र को सरकारी बासभवन जो अछि जो सरकारी बासभवन रे सौम्य रंजन को माने अर्धदद अवस्था रे तांको देह कड़ा जाइए मेडिकल निया से ही सरकारी बासभवन को फोरेन्सिक टीम जो भाई भाव में तदंत कर यह पूर्व 12 तारीख पर सेम से ही ही क्राइम ब्रांच रो फोरेन्सिक टीम आसिले से हीपरी सबू दिगर तदंत कर प्राय साढ़े दुई घंटू अधिक समय तदंत करते फायर टीम थिला एवं विभिन्न टेक्निकल टेक्निशियल से टीम रे उपस्थित जो माने तन तन कर तदंत कर आज आम जो डीएसपी जी आसी ज्ञानरंजन मिश्र सहित आम कथा से कहते पारखिन थाना अधिकारी विवेकानंद स्वयं जे पूर्व आय थे से सबू केस्र संपूर्ण तथ्य आमको प्रदान करेंगे ता परवर्त समय केस्र क्या जेरा कर आवश्यक पड़ी आवश्यक पड़े समस्त को जेरा करपर कि सूचना देते अपूर्व ओके तो बड़ प्रश्न सामना को आसूँ तदंत बाटबणापी प्रमाण नष्ट डीएफओ चाप पकाउ ना तुम ता सहित बड़ प्रश्न जेपर्यंत डीएफओ बदली करा न जापर्यंत तदंत निरपेक्षता के दुईट प्रश्न पर आगक आलोचना करवा समय एक ब्रेक र तब्रेक्र पुणि थे स्वागत सौम्य मृत्यु मामलार पर्दाफाश कर तो क्राइम ब्रांच प्रश्न बर्तमान ओडिशावासी मनरे कारण सौम्य महापात्र मृत्यु मामला को 34 दिन बीती बेले एपर्यंत रहस्य घरे रही है मृत्यु एवं सौम्य बापा सीधासलख जहाँ अभोग करुले पुलिस जो भाव तदंत करने कथा से भाई तदंत करना क्राइमब्रांच उपर भरोसा 50-50 अच्छी से आशा यह करम से कम क्राइमब्रांच पुओ को न्याय दे आदि क्राइमब्रांच ठीक से तदंत नकला एवं क्राइमब्रांच तदंत दिगहरा है भाई लगला तो हाइकोर्टर आश्रय ने ना सीबीआई तदंत दाबी कर जितेन्द्र बारिक आम प्रतिनिधि लगातार भाव अच्छा अधिक सूचना जितेन्द्र एपर्यंत बड़ प्रश्न होते डीएफओ संप्रक्त अच्छा अभियोग हो मुख्य अभियुक्त बोली अभियोग होपर्यंत डीएफओ को बदली कराएना यही स्थित तदंत निरपेक्ष हो पार तो यह बड़ प्रश्न देखंतु अपूर्व पालाखिणी पुलिस जे आय थे विवेकानंद स्वाई जो भाई भाव में तदंत करते इतिमध्य चारि चार जिला ग्रस्त कर 25 रु ऊर्ध लोक डाकी पचरा उचरा कर सारी तथापि पुलिस हाथ काली पड़ी कौन सी सुराग पाईनी एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र मसे बीतीगला तथापि पुलिस हाथ में कहीं सुराग लगे पुलिस कौ भाई भाव ढंग से तदंत करुला जो मानक नाम 302 परी संगीन दफा लगियापा घर पिंडा को जा तदंत करने कथा कह जाऊँ बासभवन में जा तदंत करने कथा जो सरकारी क्वार्टर में जा तदंत करवा पुलिस गोटे प्रकार जो कथ कह जदि पुलिस ये जो क्लीन चिट कथा एसपी पूर्वतन एसपी जी थे आमर सी जो क्लीन चिट देते डीएफ को कौटी ना कौटी पुलिस बाबू को ऊपर बड़ बड़िया चाप रही जो पुलिस यहाँ को रफा दवा करने चेष्टा करूला किंतु सौम्य रंजन महापात्र बापा जी अभिराम महापात्र गोटे मस धरी सरकार पाखे नवेदन कर आसुले जो क्राइमब्रांच तदंत हाथ को नहीं पूर्व क्राइमब्रांच अधिकारी माने पुलिस को साहय करते किंतु एवं क्राइमब्रांच को पुलिस साहय करुँ तदंत करु एठार बड़ प्रश्न सृष्टि होपूर्व ओडावासी यही घटना को नहीं समस्त नजर रही पुलिस दिग कौ दे जाक विश्वास आशा भरोसा जो पुलिस अच्छी पुलिस ता ठीक से निभे पारिनी जो जो एसएफ सौम्य रंजन महापात्र केस क्राइमब्रांच को दिगला किंतु एठार बहुत बड़ प्रश्न सृष्टि होती जे जो जो तथ्य जो दिगरे पुलिस पाले कि पुलिस तदंत कर संपूर्ण तथ्य क्राइमब्रांच को दब तो या ना किसी दब कि रख यह गोटे बड़ प्रश्न साधारण नुहे ओडावासी गोटे प्रश्न करपक्ष जदि कह क्राइमब्रांच टीम जो 6 जणिया टीम आने जहाँ सूचना दौले जो जो नामक जो ना तदंत हवा कथा जो जो ढंग से तदंत हवा कथा से संपूर्ण दिगरे संपूर्ण
तदंत करा जो जो नाम जहाँ जहाँ नाम मामला रुजुई से पुणी थे पचराउचरा कर रोसिया मनमोद कुंभ कथा कह जाऊ ममता रानी पंडा कथा कह जाऊ जो जो ड्राइवर आंबुलांस ड्राइवर टू स्टार्ट कर जो जो मान को पुलिस तदंत कर समस्त को तदंत कर पुणी थे क्राइमब्रांच अपूर्व मनोज प्रधान प्रतिनिधि लगातार अच्छा मनोज घटना को 34 दिन बीती एपर्यंत अनेक प्रमाण नष्ट हो सारी आशंका रही सेपटे पूर्व एसपी तपन पट्टनायक डीएफओ को क्लीन चिट दे सारी आभली स्थले 34 दिन पर जो सस्पेन्स रही दूर करें क्राइमब्रांच सक्षम हो तो यह बड़ प्रश्न कारण पुलिस जो भाई तदंत करने कथा से भाई तदंत करना सौम्यों परिवार तरफ बारंबार अभियोग देखो अपूर्व मो सहयोगी जहाँ कहते जे केवल समयों परिवार नुहे सारा ओडिशावासी न्याय चाहूँगी किंतु आप देखु प्रथम दिन रू आज पर्यंत समयों परिवार लोक जे सब अभियोग आनी पुलिस से सब अभियोग को तदंत परिसर ने पुलिस कौटि ना कौटी बाट काटे लगला और प्रमाण नष्ट रहा से पर लोक बारंबार प्रथम भरोसा रखी और कौटि ना कौटी सन्देह सृष्टि होता से क्राइमब्रांच को तदंतपाई सीबीआई तदंतपाई दाबी करते परवर्त समय समस्त मंत्री और उपरिस्थ अधिकारी से न्यायपाई दाबी करते मसे पर क्राइमब्रांच को जेहतु तदंत भार दि जाइए मनरे तो आशा अच्छी पुओ न्याय पाइब कि अंपके कौटि ना कौटी सन्देह सृष्टि होती क्राइमब्रांच भी सेमती तदंत प्रक्रिया विलंब कर घंट घोड़े कि तदंत प्रक्रिया ये सहयोग कर कि से नहीं आसत आम सहित तुलसी मैडम घटना को चापी देता एठी मध्य क्राइमब्रांच तदंत को चापी दिया दिज्व बाटबणा करने नहीं माँ कौन आशा रही प्रतिक्रिया निंतु तो आज्ञा आप समय रंजन पु जो मृत्यु है मसे पारिगला आप भरोसा रखते पुलिस ठीक तदंत कर पुलिस पर भरोसा अच्छी कितना पुलिस भरोसा तुटेदेला आपड़ न्याय पाईपारे परवर्त समय क्राइमब्रांच तदंत भार नहीं कौन कह डेरी डेरी करके सी भी तथ्य जोगाड़ कर पारे सी भी सी रख पारे न्याय आम ये दे पारे सी तो किसी रखी ना सब डीएफ पाखर जो चाबी गाठी रहा सी सब नष्ट कर देते कि ना ये कौ पाइए तदंत कह कर खाली तदंत कर कहते हैं कि पारे कौन पे आपनों से जो तदंत का टीम का प्रोसेस नहीं थी छोड़ना करें मासे जो तेरे दिन है या ना कहीं किच्छ तो नहीं आओ मु कौन मच्छुआ पाई मिना कौन करी तो कहीं मैं ना करी मु तो चाहूँ जी मतलब न्याय दो आप प्रशासन आपन को न्याय दवा पई तत्पर हो कि क्राइम ब्रांच को तदंत भार दे छी ना आपन जो आत्महत्य दवा कथा कहितले सेति पई होत आपन को मन बुझिया पई सेया भाबु छी दोषी की दंड दि जाऊ दोषी जी जी दंड कष्ट मो छुआ कष्ट मरबो मोर है कथा मोर तथ्य पुलिस पुलिस कोन पई विफल हला ये से टा पाइक बसीगले अंधार बाड़ी बोल सी कहीं छुआ कथा बुते जी जब छुआ पा था बस था छुआ पा ना जदि बचे छुआ से भाया मोर छुआ भाया हे से भाया दंड पाए जदि मत न्याय न मिले देखो तो अपूर्व जहाँ माँ प्रतिक्रिया रखुले क्राइमब्रांच पर भरोसा ना केवल मन बुझापी तदंत भार क्राइमब्रांच को अपूर्व तो क्राइमब्रांच वर्तमान सारा ओडिशावासी नजर अभिराम महापात्र पर न्याय मिल कि ना सौम्य महापात्र मृत्यु पर मसाधिक काल वर्तमान सरकार गुहारी कर पुलिस पाखे गुहारी कर पुओर मृत्यु किभली प्रकृत तथ्य सामना को अणा जाए कि पुलिस गजपतिर पूर्व एसपी तपन पट्टनायक डीएफओ को क्लीन चिट देता बेले एपर्यंत पुलिस तदंत सक्षम न होबारु क्राइमब्रांच को तदंत दि जाइए तेज क्राइमब्रांच उपर नजर जे अभिराम महापात्र परिवार को क्राइमब्रांच न्याय देवे सफल होना पूर्व पुलिस जेपी घटनार बाटबणा कर घटना को तदंत को मिलमिशी चापी दि जाइए क्राइमब्रांच से पंथा अपना बहुत बहुत धन्यवाद जितेन्द्र बारिक मनोज प्रधान प्रतिनिधि एने अधिक सूचना देते समय सरी अर्गस न्यूज रूम लाइव को ये रखुचु नमस्कार।